हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बिस्किट, जो कि बहुत ही खस्ता बनेंगे और बनाना भी आसान है, और हम थोड़े अलग तरीके से इसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है और एक कप इसमें हमने शुगर ली है। आप थोड़ी शुगर कम भी ले सकते हैं। ऐसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि शुगर थोड़ी सी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अब उसी कटोरी के हिसाब से मैंने 2 कप यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, 4 चम्मच यहाँ पे रवा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और घी लिया है 1/4 कप। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें एक क्रम्बली टेक्सचर चाहिए, थोड़ा सा दरदरा हमारा आटा अच्छा हो, कोर्स हो जाएगा इसे अच्छे से मिलाएंगे तो। ऐसी मुट्ठी बनेगी तो मतलब हमारा घी का अंदाज़ा हमने सही लिया है। इसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है दही और शक्कर का, उसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ मत डालिएगा ताकि नहीं तो बहुत ही गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा सा हमें थोड़ा सा सख्त सा आटा लगा लेना है, स्टिफ ही रखना है, नरम ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैं अब तिल डालूँगी और इसे अच्छे से एक सार करके एक डो फॉर्म कर लेंगे। थोड़ा स्टिफ डो रहेगा इस तरीके से। अब इसके 2-3 भाग करके हम इसे एक सार कर लेंगे और सिलेंडर का शेप में यहाँ पे मैंने दिया। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेंडर का शेप दिया है। इसे अच्छे से हम एक फॉर्म सिलेंडर कर लेंगे और इस तरीके से हम पतले पतले इसके कट्स कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे हम इवनली हम इसे इवन कर लेंगे सारे बिस्किट्स को। हमें यहाँ पे तेल एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे डालें और इसके बाद इसे इसकी गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दें। बहुत ही धीरे धीरे हिलाइएगा क्योंकि बीच में टूट भी सकते हैं। 5-6 मिनट सेकने के बाद हम इसे धीरे से फ्लिप कर देंगे और फिर इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे डीप फ्राई अच्छे से हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिए।